तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 8 की जो मैथ है वो हमने उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है, और इसमें हमने 15.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही है और हमने एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है और चैनल पर एक प्ले लिस्ट ऑप्शन है उसमें जाके क्लिक कीजिए, और जो चैप्टर का नाम है एक चर रेखीय वाली समीकरण, उस चैप्टर का नाम है 14। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन करा दिया, इसकी भी एक वीडियो बन चुकी है, और आज दूसरा क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, और लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का विस्तार रूप में कीजिए। ठीक है, तो हमने कल इसके सूत्र भी बताए थे किस तरीका से आपको सूत्र से पुटअप करना है और किस तरीका से आंसर निकलता है। तो देखते हैं आज भी उसकी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 - a 1/3 का होल क्यूब, 4 - k 1/3y का होल क्यूब, हिंदी में कहेंगे 4 - 1/3y का होल क्यूब। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका? अब देखो, हमने एक सूत्र आपको क्या बताया था, सूत्र बताया बच्चे हो, बोलो, a - b का क्या होता है, तो कितना बोलेंगे बताओ, a³ - k। आपको याद रही है क्या? फिर बोलो, -k 3 ab कोष्टक में a - b। ऐसा लगता है कि बच्चों को याद नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हें याद करना होगा। ठीक है, ओके। एक प्लस वाला और होता है, कैसे है प्लस वाला? प्लस वाला याद है, तो किसे कैसे बोलेंगे, a³ + k 3 ab कोष्टक में a+b। तो ये आपको दोनों सूत्र की जरूरत पड़ेगी, इनको एक बार याद कर लें। ठीक है, ओके बच्चों। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जब तक ये आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसलिए इसे याद करना पड़ेगा। ओके, तो देखो अब इसमें ये माइनस वाला फॉर्मूला इसमें आपको लगाना है, किस तरीके से लगाना है, इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। अब देखो होल क्यूब है तो होल क्यूब है, ठीक है, अब ए की जगह कितना है हमारा 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए 64। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार हमें इसे विस्तार रूप में लिख सकते हैं, उसके बारे में से ओपन करेंगे, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 लिख लिया। ठीक है, माइनस 1/3 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3y का होल क्यूब माइनस 3ab, तो बाहर आ जाएंगे 3 कोष्टक में आ जाएंगे 4 - 1/3y कोष्टक में क्या आएगा इसका a+b, ए की जगह 4 - 1/3 तो हमने ये फॉर्मूला के पूरे ही सिस्टमेटिक में लगा लिया। ठीक है, अब इसे थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 का जो वर्ग होता है कितना होता है 64, 1/3y का क्यूब कितना होता है, तो 1 का 1 ही रहेगा, 3 का कितना होता है 27y³। ठीक है, माइनस, अब देखो इसका अंदर गुणा कर लो, तो अंदर गुणा करो कितना हो जाएगा 4 × 4 और 4 का जब बाहर इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 / 12 कितना नीचे 3y, 3 से काटते 12 कितने बार जाएगा, तो कितना आएगा ये 4/22। ठीक है, अब देखो भीतर क्या है, ये हमारा सॉल्व हो गया, अब ये क्या बचा 4 - k 1/3y। ठीक है, अब देखो थोड़ा और इसे कर लेते हैं, 64 - 1/27y³। ठीक है, माइनस कितना है 4/22। ठीक है, कोष्टक में 4 - 1/3y, अब इसे खोल लो, तो कितना हो जाएगा ये 64 - 1/27y³, इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा 16/22, इसका गुणा इसमें करो तो 4/ कितना हो जाएगा 3/
उसके है, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि एक ये है और एक ये, तो कितना होगा बाई स्क्वायर, ठीक है, 64 माइनस के 1 बट्टे 27 बाई क्यू माइनस 16 बट्टे बाई माइनस के 4 बट्टे 3 बाई स्क्वायर, ठीक है। आपके जो आंसर की है आपके थोड़ा सिस्टम में लगा होगा आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है, तो हम इसे लगा लेते हैं। किस तरीका से लगाएंगे, तो 64 एक बट्टे 27 बाई क्यू और ये इधर कर लो, तो 4 बट्टे कितना है 3 बाई स्क्वायर माइनस के 16 बट्टे और सॉरी अब देखो ये किसका अभी माइनस से गुणा होगा, किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये किसका हो जाएगा माइनस का, थोड़ा ध्यान रखना, ये इसका गुणा जब इस अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर ये आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा, कोशिश किया करो बच्चों, पढ़ते नहीं हो तो मैं क्यों पढ़ते कि नहीं हो, पढ़ा करो, ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है इतना कि आप भी मेरे साथ मेहनत करें। टीचर और शिष्य का एक ही नाता है कि भाई शिष्य टीचर पढ़ा रहा है तो शिष्य ये समझे कि उसके बारे में पूछ डसे, अगर कोई सॉल्व करा रहे हैं जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपका इतना तो फर्ज बनता है, अगर आपके नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लें कि सर ये कैसे हुआ, तो ठीक है, अगर सर पढ़ाते जा रहे हैं तुम आराम से उतारते जा रहे हो तो ये पढ़ने का तरीका नहीं है, क्योंकि आपका डाउट ही क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी कोई पढ़ाए हम सही या और कोई टीचर, तो भाई जब तक सही में नहीं आए तब तक उसे पूछो, क्या करें पूछो, ओके। तो हमारा क्वेश्चन है भाई दूसरा, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है अब तो ये बताओ, दूसरा वाला करोगे या तीसरा वाला, तीसरा या दूसरा, तीसरा, ओके, बच्चों का जो आंसर निकल के आ रहा है तीसरा, तो तीसरा देख लेते हैं क्या है, 2/3x-k 5/3z का होल क्यूब, ठीक है, तो कितना है 2/3x-k 5/3z का होल क्यूब, होल क्यूब, देखो माइनस लगा है और माइनस वाला भी आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, वो याद है तो ये हो जाएगा, अगर वो नहीं याद है तो ये नहीं होने वाला, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सूत्र चाहिए, ठीक है, तो भाई तो कैसे लगाओगे, देखो ये है मान लेते ए और इसे मान लेते बी, ये हुआ ये बी, ओके, अब देखा इसका क्या करेंगे ए का क्यू, तो इसका खोले कितना हो जाएगा 2/3x³ माइनस, चिन्ह लगा हुआ है माइनस लगा लो, ठीक है, 5/3z² माइनस ये a ये b 3ab क्या होता है गुणा, तो 3 आगे ले लो और 2/3x × 5/3z कोष्टक में 2/3x-k 5/3z इतना ही होगा, ठीक है, अब देखो इसे खोल लो, 2 का क्यूब कितना होता है और 3 का भी, 2/3 दोनों को अंश और हर का ही क्यूब खुलेगा, ठीक है, 2 का कितना होता है क्यूब और 3 का 27 x है तो x क्यूब, ठीक है, माइनस के 5 का क्यूब आपको करना पड़ेगा ये बेटा 30 में समझ लेना, ठीक है, ये थोड़ा गड्ढा है 3 है, ठीक है, तो ये 5/3 तो 5 का क्यूब कितना होता है और 3 का 27 जेड का सही आ रहा है, ओके, इसका गुणा इसमें, पहले इसका गुणा कर लो, तो कितना हो जाए मैं यहां कर लेता हूं आपको बताने के लिए, तो 2/3 × 5/3 पांच दुनी 10 और 3 तरफ 9 कितने हैं ये x z और बाहर कितने हैं हमारे 3 तो 3 अंदर गुणा कर लिया तो हमारा 10/9x z अब ये कितना है 2/3x-k 5/3z
ठीक है। अब जब इसे खोलो तो 8 बटे 27 एक्स क्यू माइनस के 125 27 जेड क्यू माइनस के। अब देखो आपको क्या करना है, ये है तो इसका गुणा इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 30 बटे 9 एक्स जेड। अब ए प्लस भी लिख लो 2 बटे 3 एक्स माइनस के 5 बटे 3 और जेड, ठीक है। अब देखो ये आप सेम लिख लो, ये आप लिख लेते हैं, ये आपको सही में नहीं आएगा लिखेंगे इनको। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे 30 है, ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे x, ये x, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है जब मैं कर देता हूँ 30 बटे कितना है, ये जगह कम इसलिए मैं कर रहा हूँ, आपको समझदार तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पर 30 बटे 9 एक्स जेड मल्टीप्लाई कितने 2 बटे 3 और x। अब देखो 3 से 3 एक 8, 3 से 30 कट जाएगा, गुणा में कट जाते संख्या ऊपर नीचे, ठीक है। तो 3 9 और 10 दूने 20 और नीचे कितना रहेगा 9, तो 9 बटे 20 बटे 9 एक्स स्क्वायर जेड। तो इसका आंसर क्या निकलेगा इसको पूरा करने पर, 3 से ये क्या बार कट जाएगा 10 बार, 10 दूनी 20 बटे 9 एक्स स्क्वायर और जेड, ठीक है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब देखो फिर काट लो 3 9 30 और 10 पंजे 50 और 50 बटे, अब जेड कितनी बार है, जेड कितनी बार है, तो कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 8 मतलब 8 बटे 27 एक्स क्यू माइनस के 125 जेड क्यू बटे, सॉरी 125 बटे 27 जेड क्यू माइनस के 20 बटे 9 एक्स स्क्वायर जेड प्लस के 50 बटे 9 एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आया, तो आई होप आपको बिंदास तरीके से समझ आया होगा। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन और कराऊंगा और ये सबसे पहले तालो, ठीक है। आप बताइए कौन सा क्वेश्चन कराऊं, 4 5 6 में से कौन सा क्वेश्चन कराऊं, बोलो बोलो, चौथा, चलो चौथा करा देता हूं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, x बट्टे 2 प्लस के y बट्टे 5 का होल क्यूब। आपको सूत्र पता है तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, जब तक सूत्र नहीं पता है तब तक इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे क्या मान लेते हैं, तो फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कैसे, मैं मान लेता हूँ उसे x, इसे मान लेता हूँ b, मतलब y ए बी, तो इसका करेंगे तो x बट्टे 2 का होल क्यूब प्लस के y बट्टे 5 का होल क्यूब माइनस प्लस के 3 एक्स 2 मल्टीप्लाई y बट्टे 5 कोष्टक में x प्लस के 2 प्लस y बट्टे 5। अब इसे खोलो, x का पी करेंगे तो x बटे 2, 2 का करेंगे तो 8, y का करेंगे तो y क्यूब, तो इसका करेंगे तो 125 प्लस अंदर गुणा कर ले तो कितना है एक्स वाई, नीचे कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी तो कितना हो जाएगा 3 एक्स वाई बटे 10 कोष्टक में x बटे 2 प्लस के y बटे 5, ठीक है। तो इसे करेंगे सॉल्व तो x क्यू बटे 8 प्लस के y बटे क्यू 125 प्लस का चिन्ह लगाए तो लगा दो, इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर y बटे 10 दूनी 20 कोष्टक में, अब किसका चिन्ह है ये प्लस का लगा दो, ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 3 एक्स वाई का स्क्वायर बट्टे, इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, ये
आंसर इतना ही होगा, कितना होगा, एक्स क्यूब बटे 8 प्लस वाई क्यूब बटे 125 प्लस के 3x स्क्वायर वाई बटे 20 प्लस के 3x वाई स्क्वायर बटे 50। ठीक है, संख्या आगे पीछे हो सकती है लेकिन आपको यही संख्या मिलेगी। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन और बताऊंगा और सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं पांचवा आपके लिए और आपके लिए भी। ठीक है, एक अपने ऑडियंस और आपके स्टूडेंट जो हमें यहाँ पर क्लास में बैठे उनके लिए और तुम्हारे लिए। तो ये पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x प्लस के 1 अपॉन x का होल क्यूब। तो इसमें फॉर्मूला पुट अप होगा। ठीक है, तो क्या इसे मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं, तो क्या करेंगे 3x का होल क्यूब प्लस के 1 बटे x का प्लस के 3x बड़ा 1 बटे x, यहां लिख लेते हैं 3। ठीक है, कोष्टक में 3 प्लस के 1 अपॉन x। अब इसे खोल लो, कितना हो जाएगा ये बोलो, आप लोग बोलो, आप 27 एक्स प्लस बोलो क्यू। ठीक है, अब बोलो कितना हो जाएगा ये, अब देखो इसका बड़ा इसमें कर दो। ठीक है, एक्स एस कट जाएगी, इससे एक्स एस कट जाएगी। ठीक है, तो कितना बचेगा ये, तीन तरफ नो, अंदर क्या बचेगा ये एक्स। अब इसे कर लो, 27 एक्स क्यू प्लस के 1 अपॉन एक्स क्यू, कितना आएगा ये, कितना आएगा आंसर, इतना ही आ रहा है, देखना एक बार, 27 एक्स क्यू प्लस के 1 बटी एक्स क्यू प्लस के 27 एक्स प्लस के 9 बटे एक्स। हमने इस प्रश्नावली में दूसरा क्वेश्चन भी फिनिश कर दिया है।